तो हे गाइज, गुड इवनिंग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आपका छोटा भाई भी बिल्कुल ठीक है। आज दिन है शुक्रवार, और शुक्रवार के दिन पे मैं आपको लेकर आया हूँ माँ छिन्नमस्ती के मंदिर, और आज मैं आपको दर्शन कराऊंगा माँ छिन्नमस्ती के मंदिर का। अभी शाम के बजे हैं 6, और आज का रहा मौसम, तो मौसम आज थोड़ा ख़राब है, हो सकता है वर्षा आज हो सकती है। सो गाइज, आज मैं आपको सीधे माँ छिन्नमस्ती के मंदिर लेकर आया हूँ, और यहाँ से आपको माँ का दर्शन कराता हूँ। सो गाइज, हमारे ब्लॉग पर आप बने रहें। तो गाइस, अभी मैं सीधे माँ छिन्नमस्ती के मंदिर के जस्ट अंदर पे इन किया हूँ, और यहाँ से मैं अभी शूट कर रहा हूँ वीडियो। सो गाइस, यहाँ पर लोग लगते हैं कतारे माँ छिन्नमस्ती के दर्शन के लिए। सो अभी मैं इस स्थान पर हूँ, और यहाँ से मैं अभी वीडियो को कर रहा हूँ शूट। सो गाइस, देख सकते हैं कि हमारे सामने माँ छिन्नमस्ती के मंदिर है, और आज बिल्कुल आसान थे, बहुत सारे कम श्रद्धालु आए थे, और क्योंकि अभी फूड का भी सीज़न चल रहा है, जिसके वजह से बहुत सारे लोग उसमें भी बिजी हैं, जिसके वजह से अभी उतने लोग नहीं आ रहे हैं। लेकिन संडे को मुझे आशा है कि बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। तो गाइस, अभी मंदिर परिसर पूरी तरह से धुलाई हुआ है इसका, और अभी आरती का समय जस्ट होने वाला है, फिर आरती होगा, और बहुत सारे लोग हवन के लिए भी आए हैं, वो सभी भी होगा। तो फाइनली हमारे ब्लॉग पर बने रहें, अभी अभी और कुछ भी देखने को मिलेगा। तो गाइस, अभी मैं निकल चुका हूँ माँ छिन्नमस्ती के मंदिर से, और इससे पहले मैंने अभी आपको माँ छिन्नमस्ती के मंदिर का दृश्य दिखाया, और आज क्या माहौल था, कितना ज़्यादा भीड़ था, ये सारा कुछ आपको देखने को मिला दोस्तों। तो अभी मैं हूँ जस्ट इसके ऊपर में, जो साइडिंग बनी आई गई है, जस्ट मुंडनशाला के जस्ट मैं अभी बगल में हूँ, और यहाँ से अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं इधर भी बहुत कम ही भीड़ है, बहुत कम लोग हैं, और मौसम थोड़ा ख़राब हुआ है, जिसकी वजह से और भी लोग रह नहीं रहे, लोग अपने घर की ओर निकलना ही पसंद कर रहे हैं। सो गाइस, अभी इधर देख सकते हैं लोग, इधर जो मंदिर पर चढ़ता है बकरा वगैरह, जिसकी बल्ली होती है, वो सारा कुछ जाकर इधर ही भी बनता है, और उसके जस्ट बगल पर यहाँ पर आपको मटन चावल स्पेशल मिल जाएगा खाने पीने के लिए, वो आकर आप यहाँ खा सकते हैं। सो गाइस, फाइनली आज का ब्लॉग पर मैं यहीं पर एंड करता हूं, क्योंकि आज मैं अपनी दुकान पर अकेला था, जिसकी वजह से मैं इधर उधर नहीं जा पाया, लेकिन फिर भी सोचा कि क्यों ना अपडेट रहूं आप सबों के बीच में, इसीलिए मैं भाग क्या भागा आया और एक वीडियो शूट किया। दोस्तों, हो सके तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि ये वीडियो में वैसी कुछ खास जानकारी नहीं दी, हो सकता है नेक्स्ट बार मैं जब वीडियो अपलोड करूँ तो आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करता हूँ। जय हिंद, जय हिंद।